हरे कृष्णा। आज हमारे लड्डू की लाडो आई है, यानी कि हमारी बहू रानी आई है, और आज हम बहुत खुश हैं। तो हमारे लड्डू की जो है साथी आ चुकी हैं। मतलब कहने का मतलब है लाडो लड्डू की क्या कहते हैं उसको, बीवी आ चुकी हैं, राधा रानी आ चुकी हैं। तो आज हम इन दोनों का अभिषेक करेंगे, क्योंकि हम कल ही लाली को लेकर आए थे। तो हम अब इनका अभिषेक करेंगे, पंचामृत स्नान कराएंगे आज इनको। तो करते हैं जल्दी से। और आज दोनों का स्नान हमने एक साथ ही करवाया, तो सोचा नहीं था हमने कि ऐसा होगा, पर हो गया। अब सब अपने अपने साथी के साथ में बैठेंगे, और क्योंकि सब माधव तो देखने भी नहीं देता अपनी गौरी को, तो जैसे लड्डू ने कहा मेले भी लेके आओ, तो अब हम दही से अभिषेक कर देंगे। बूरा उन्हें डाली ही दी थी। श्री नारद जी महाराज ने कहा, सारे तीर्थों में गए शांति नहीं मिली, शांति वहां है जहाँ माता पिता की सेवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का या श्रीमन नारायण का, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को या राधा रानी को स्नान कराते हैं या पंचामृत अभिषेक करते हैं, तो ज़रूर इनका नाम जाप ज़रूर करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर श्रीमन नारायण सीताराम लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप एक नाम पकड़ो और उसी नाम को आप स्नान कराते समय रटते रहिए। ये हमने थोड़ा सा घी लिया है अपने लड्डू के लगाने के लिए। हरे कृष्ण। और एक चीज़ देखिएगा, दही से हमारा लड्डू बिल्कुल, लड्डू और लाडो दोनों चमक गए हैं। थोड़ा सा उस टाइम पे जब लड्डू को मैंने बटाया था, लड्डू हल्का सा लाल हमारा पीला हो रहा था, लेकिन अब देखो दही पंचामृत स्नान से जो है लड्डू में चमक अलग ही दिखाई दे रही होगी आप सभी को। तो हर 3 दिन में या 1-2 दिन में दही से स्नान लाला को ज़रूर करा दिया करें, जिससे कि इनके ऊपर पीतांबर ना जमे। पीतांबर बहुत जल्दी जम जाता है हमारे बच्चों पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब हम यहाँ पे स्नान के बाद जो था, हमने पोंछ कर अच्छे से बाबू को साफ करके अब हमने कपड़े पहनाए, क्योंकि हम बिना वस्त्र के नहीं दिखाते हैं लाडो रानी को। काफ़ी सारे लोग हम वीडियो में देखते हैं कि जो दिखा देते हैं वो चीज़, देखो गलत है। हमारा लड्डू देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा बाबू, यार देखो बिल्कुल वीडियो की तरह, मतलब फ़ोन की तरफ ही नज़र रहती है बाबू की हमारे, इतना क्यूटी है ना। और इसके जैसी ही क्यूटी सी हमें लाडो रानी लानी पड़ी, बहुत घूमना पड़ा हमें इनकी लाडो रानी के लिए, कि हमने सोचा था इनके टक्कर की तो होनी चाहिए ना हमारी लाडो रानी भी। तो हमने अपने लाडो को ड्रेस पहना दिया है, श्रृंगार अभी करेंगे। पहले हम अपने लड्डू को भी वस्त्र पहना दे, उसके बाद में हम लाडू का और लड्डू को एक साथ श्रृंगार करेंगे, दोनों को एक जैसी ही ड्रेस पहनाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण ये हमारे लड्डू की भी ड्रेस हो गई है कंप्लीट, पहना ली लाला ने। को
जगति के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो भटको गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफी है। ये हम अपने लाडो का श्रृंगार करेंगे। कितनी बार आप लोगों को भागवत सुनने का मौका मिला है? ये हमने कान के टॉप्स भी पहना दिए लाडो को सेट के साथ के। जैसे आज आए हैं ना, तो कल आप लोग अपने पड़ोसियों को भी पकड़ पकड़ के लाडो सुनने का जितना बड़ा पुण्य है, उससे ज्यादा पुण्य औरों को सुनवाने का है। तो आप औरों को पकड़ पकड़ के लाइए। चलो भैया भागवत में कथा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। ये हमारी लाली ने हमने बाल भी लगा लिए। अगर पफ होता ना हम पे छोटा सा, तो हम हेयर स्टाइल काफी अच्छा बना सकते थे, पर एकदम पफ नहीं था। हमें पफ जो है वो अपना आप ही बनाना पड़ेगा लाडी के लिए, क्योंकि जो पफ हम जो आता है वो बहुत बड़ा आता है। तो इसीलिए हम अपना पफ बनाएंगे। जो मैं पफ बनाऊंगी तो मैं आप सबको भी जरूर दिखाऊंगी। सीताराम 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 कहिए। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को देखा कि वो भक्ति भागवत की महिमा सुनकर प्रकट हो गई और ताता खैया करके नाचने लगी और कीर्तन करने। छोटा सा टीका था अभी इस टाइम पे हम पे अवेलेबल नहीं था, बट जो भी था अभी हमने लाडो को आज के लिए हमने पूरा किया। तो कल का जो भी श्रृंगार होगा हम जरूर आप सबके साथ में शेयर करेंगे कि हमने लाडो को कौन सी ड्रेस पहनाई या कौन सा श्रृंगार किया, सारा आप सबको दिखाया जाएगा। ये एक छोटा सा पैंडल था वो मैंने इनके माथे पे टीके के लिए यूज़ किया। हरे कृष्ण हरे, ये हमने इत्र लगा दिया है। इत्र जो है आप सभी को भी पता होगा कि कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है इत्र। इत्र इत्र की मालिश बहुत पसंद है। तब आप इनको सिंहासन पे बैठा देंगे और बैठाने के बाद में थोड़े फूल जो हैं इनके, हम होली की तरह इन पे फूल जो है गिरेंगे तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो लड्डू ने हल्का सा फूल जो है वो हिलाया भी। अगर समझने वाले समझते हैं तो सब समझ ही जाते हैं। तो हमारे लड्डू आज बेहद खुश है अपनी लाडो रानी के साथ में, और इनका नाम जो है हम सोना रखेंगे। सोना सोना मेरी प्यारी सी सोना बाबू। जो मेरी बड़ी लाडो है उनका नाम वैष्णो है, छोटी वाली का गौरी है और इनका सोना। अब हमने इनकी आरती भी उतारी। हाथी जोड़ बिनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दासी आ गयो शरण में रखियो उसकी लाज। जय जय श्री बाके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, युगल जोड़ी की जय।
आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।